नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव में आ जा रहे नतीजों में यह साफ हो गया है कि बीजेपी ने रिकॉर्ड वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी 157 सीटों पर कब्जा जमाते हुए दिख रही है। अभी तक 94 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 64 पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस बुरी तरह से पस्त हो गई है और मात्र 16 सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रही है। इसमें से 7 पर जीत हासिल कर चुकी है और 9 पर बढ़त बनाए हुए है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के खाते में भी 5 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें। राज्य में विधानसभा की 182 सीटें हैं। गुजरात में बीजेपी 27 साल से सत्ता में थी और आज के नतीजों के बाद अगले 5 साल और सत्ता में रहेगी। गुजरात में मोरबी सीट की काफी चर्चा है। यहां पुल हादसे के बाद भी बीजेपी नेता कांतिलाल अमृतिया की जीत हुई है। बीजेपी के उम्मीदवार को उनके विरोधी उम्मीदवार से दोगुने से ज्यादा वोट मिले और करीब 62,000 वोटों के अंतर से जीत हुई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग टिप्पणियां भी कर रहे हैं। ट्विटर पर कीर्तिश भट्ट ने लिखा है, पुल ही तो था, फिर बन जाएगा प्रैक्टिकल जनता। अन्य लोगों का भी कहना है कि हाथरस में भी बीजेपी जीती, लखीमपुर खीरी में भी बीजेपी जीती, मोरबी में भी बीजेपी जीत रही है। गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है बल्कि गड़बड़ी कहीं और है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की ओर से भी टिप्पणियां आ रही हैं। बीजेपी नेता वाई सत्य कुमार ने लिखा है कि हादसे के दौरान कांतिलाल अमृतिया ने कई लोगों की जान बचाई, वो सही मायनों में एक हीरो हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं और यहां सरकार बनाने के लिए 35 विधायक चाहिए। मौजूदा रुझानों में कांग्रेस 39 सीटों पर जीत रही है। इनमें से 29 सीटों पर जीत चुकी है और 10 पर बढ़त बनाए हुए है। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में जा रही हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 68 सीटों वाली हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को बधाई भी दे दी है। जयराम ठाकुर इसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने चले गए। उन्होंने कहा कि मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का आभारी हूं कि हमें 5 साल हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर हमें उनका सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सत्ता मिलने की संभावना पूर्ण होने की दिशा में है और मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वादे किए हैं वो उनको पूरा करें, हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, उस दृष्टि से हमारा सहयोग सदैव राजनीति से ऊपर उठकर रहेगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, तो जयराम बोले, जो जनमत उन्हें मिला है उसे संभाल कर रखना उनका काम है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैंने विपरीत परिस्थितियों के बीच चुनाव में जीत हासिल की, मुझे कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो करके देंगे। मैं विधायकों के साथ बैठक चंडीगढ़ में होने की बात को लेकर जब ये पूछा गया कि उन्हें विधायकों के टूटने का डर है, इस पर उन्होंने कहा कि विधायकों को लेकर हमें कोई डर नहीं, कहीं तो हमें बैठकर बात करनी है, इसके लिए शिमला बैठे या चंडीगढ़, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास बहुत सारी जगह हैं जहां हम बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर पहले से ही था, इसलिए मोदी को बार बार यहां लाया जा रहा था। बता दें, कांग्रेस के सामने चुनौती अपने विधायकों को सेंधमारी से बचाने की भी है और इसके लिए उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी सौंपी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट के लिए भी मतों की गिनती हुई। लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट शामिल रही। यहां डिंपल यादव बड़ी जीत हासिल कर रही हैं। वो अभी 288,000 से अधिक वोटों से जीत की ओर बढ़ गई हैं। डिंपल यादव के सामने बीजेपी के रघुराज शाक्य मैदान में थे, हालांकि उनको 34% वोट ही मिले हैं, जबकि डिंपल यादव को 64% से ज़्यादा मिले हैं, बाकी सब 1% के अंदर सिमट गए हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने उलटफेर कर दिया। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने रामपुर सदर उपचुनाव जीत लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद असीम राजा को उनके ही गढ़ में 33,702 वोटों से हराया है। बता दें, आजम खान का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन के द्वारा धांधली करने का आरोप लगाया था। सपा ने उनके मतदाताओं को वोट डालने से रोकने, घर में बंद रहने के लिए मजबूर करने और वोट डाले जाने पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। ऐसी घटनाओं को लेकर आजम खान ने कहा था कि अगर चुनाव ऐसे होना है तो बीजेपी के प्रत्याशी को ऐसे ही जीत दे दी जाए, उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाए, चुनाव की जरूरत ही नहीं है। इस सीट पर 33% से अधिक ही वोट पड़े थे।
उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट को सपा गठबंधन यानी आरएलडी जीत रही है। खतौली सीट पर सपा गठबंधन से आरएलडी के टिकट पर उतरे मदन भैया 22,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। यह सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी के विक्रम सैनी को मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सीट खाली हुई थी। इसके अलावा बिहार में बीजेपी को कामयाबी मिली। बिहार की कोडनी सीट बीजेपी ने जीत ली है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। ओडिशा की पदमपुर सीट पर बीजेपी जीती है। इसके अलावा राजस्थान की सरदार शहर कांग्रेस के खाते में गई है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत के साथ ही समाजवादी पार्टी का खुनबा भी एक हो गया। इसके साथ ही अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव सपा में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी सपा में विलय कर दिया। उसके साथ ही शिवपाल यादव की गाड़ी का झंडा भी बदल दिया गया। शिवपाल यादव के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर से प्रसपा का झंडा हटाकर सपा का झंडा लगा दिया। आम आदमी पार्टी के गुजरात में मिले वोट फीसद को देखते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि आपको केवल 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। साथ ही उन्होंने गुजरात की जनता को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम गुजरात की जनता के आभारी हैं क्योंकि उनकी वजह से ही हमें यह दर्जा मिला है। आपने केवल 10 साल में ही राष्ट्रीय पार्टी बनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमें गुजरात में करीब 35 लाख वोट मिले हैं। सभी नेताओं ने काफ़ी मेहनत की और ग्रामीण इलाकों में गए। बता दें, चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अब तक आपका वोट प्रतिशत 12.9% है। तो इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो किला भेदने में कामयाब हुए, अगली बार किला जीतने में भी सफलता मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि आपकी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानून अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। देश में चंद पार्टियां ही हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, उनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, उसकी 2 राज्यों में सरकार है और वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। केजरीवाल ने कहा कि मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं ताजिंदगी आपका आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि इस बार हमने किला भेदने में सफलता पाई। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पूरी तरह पस्त हो गई है, ऐसे में वडगाम से कांग्रेस टिकट पर जिग्नेश मेवाणी के जीतने के बहुत मायने हैं। मेवाणी ने वडगाम सीट करीब 4,000 से वोटों से ज़्यादा से जीती है। चुनाव आयोग के मुताबिक जिग्नेश मेवाणी को 78,845 वोट और उनके मुकाबले में आए बीजेपी के मणिभाई जेठाभाई वाघेला को 75,005 वोट मिले हैं। मेवाणी को करीब 47.89% और बीजेपी प्रत्याशी को 45.56% वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार अल्पेश ठाकुर गांधीनगर दक्षिण सीट से करीब 4,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार हैं। हार्दिक पटेल भी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।